अच्छा जनाब, हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इनके बेशुमार फैंस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हैं, और कुछ फैंस ऐसे हैं जो कभी कभी उल्टे सवाल भी करते हैं। अच्छे सवाल आपने सुने होंगे, लेकिन उल्टे सवाल कभी नहीं सुनोगे। तो एक पैकेज देखते हैं और देखते हैं इमरान से लोग क्या उल्टे उल्टे सवाल करना चाहते हैं। बिपाशा बासु का कहना है कि इमरान अब्बास के साथ काम करने के बाद वो आज भी इनको भूल नहीं सकी हैं। ऐसा क्या था इन दोनों के दरमियान? उनके पैसे लेके भागे होंगे। वो इनको अच्छा लगा होगा, क्यूट सा है ना इमरान अब्बास। अगर ऐसा होता पॉसिबल तो मेरे ख्याल से बिपाशा शादी ना करती। क्या पता दिल आ गया हो। बिपाशा बासु को आई थिंक अपनी आंखें टेस्ट करानी चाहिए। इमरान अब्बास मोदी को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देने इंडिया जा रहे हैं, क्या इनको ऐसा करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट कंटेस्टेंट होगा वो उसका। नो नो नो, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए इमरान अब्बास को। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, नहीं। इमरान अब्बास का कहना है कि लॉलीवुड जैसी अच्छी मूवीज पूरी दुनिया में नहीं बनती, क्या वो सच कह रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। इमरान अब्बास का कहना है कि इंडिया में काम करने के बाद उनको पाकिस्तान में काम करने का मजा नहीं आता, आखिर ऐसा क्या है? यार ये तो वो झूठ बोल रहा है, वहाँ पैसे ज्यादा होते हैं, उनको वहाँ लड़कियाँ ज्यादा पसंद आ रही होंगी। अब ये तो उनकी मर्जी, उनको मजा आना है। इमरान अब्बास ने अमरीका को $3,000 की इमदाद का ऐलान किया है, क्या इससे अमरीका को फायदा होगा? अमेरिका रिच हो जाएगा। इमरान अब्बास को बहुत फायदा होगा। हो सकता है इमरान अब्बास ने किया है, मतलब अमेरिका ने इमरान अब्बास को किया होता समझ आता, ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल। आजकल इमरान अब्बास और माहिरा खान एक साथ बहुत जगह देखे जा रहे हैं, आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या है? दोनों ने एक दूसरे के पैसे दे दिए शादी करने के। जोड़ी अच्छी है, जरूरी नहीं है कोई किसी के साथ हो तो कोई चक्कर ही हो, ये उनका पर्सनल मैटर है, अगर चल भी रहा है तो हमें क्या। अमरीकी सिंगर ब्रिंटी स्पियर्स का कहना है कि शादी करेंगी तो इमरान अब्बास से, वरना किसी से नहीं। क्या इमरान अब्बास को इससे शादी कर लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं, नहीं कर देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इमरान अब्बास को कल रात कराची के तारिक रोड पर लोगों ने लड़की छेड़ते हुए पकड़ लिया, इमरान अब्बास ने ऐसा क्यों किया? उनका दिल कर रहा होगा छेड़ने को। वैसे कर तो नहीं सकते, उम्मीद नहीं है, वो जितना टॉप का मॉडल है एक्टर है ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो ऐसा कभी कर नहीं सकते। हमारे फेवरेट इमरान अब्बास माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, उनको तो लड़कियां खुद देखती हैं। मुझे सबसे अच्छा ये लगा, देखें लोग कितना प्यार करते हैं, उन्होंने कहा उम्मीद नहीं कि इमरान ऐसी हरकत कर पाएगा। लेकिन बेस्ट पता कौन सा था? व्हाट डू यू थिंक, व्हिच वन वाज द बेस्ट? बिपाशा बासु को अपनी आंखें टेस्ट करानी चाहिए। नहीं यार, क्यों टेस्ट करानी चाहिए, हीरो है भाई हमारा। मुझे पता कौन सा अच्छा लगा, पैसे लेके भाग गए हो गया। नहीं जरूरी थोड़ी कोई चक्कर चल जाओ, मिलने तो बाजी के बाजी तो दोस्ती भी। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जी रीमा से क्या सवाल कर रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं, दिखाइए जी। रीमा ने ऐलान किया है कि वो हॉलीवुड मूवी डायरेक्ट करेंगी, क्या वो इसमें कामयाब हो सकेंगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ, नहीं हो सकती, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ पहले भी उन्होंने की है। रीमा ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं? रीमा ने ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़ा है, मेरे ख्याल है पाकिस्तान शायद वो ना आए वापस। अच्छा कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो ये गलत कर रही हैं। अच्छा फैसला है, अगर मुझे भी साथ लेके जा सके तो इट्स नॉट अ बैड। ना रीमा मीरा से बात करती हैं और ना मीरा रीमा से, आखिर इनकी लड़ाई की वजह क्या है? Because मीरा जो ना, everybody know that she's crazy. सास बहू हैं दोनों। आपस में बनती नहीं होगी इनकी, दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर्स हैं इसलिए। मीरा का कहना है कि रीमा ने इनको जहर देने की कोशिश की थी, आखिर ऐसा क्यों किया रीमा ने? इंग्लिश ही सुना दी होगी आई थिंक, वो मिलती नहीं है तो उनको जहर कैसे दे सकती है? जेलेसी को लड़ाई होगी, मीरा तो कुछ भी कहेंगी तो वो अनबिलीवेबल होगा। रीमा ने अपना तमगा इम्तियाज आई टू आई वाले ताहिर शाह को देने का फैसला कर लिया है, उन्होंने ऐसा आखिर क्यों किया? वो बहुत बड़ी दिल रखती हैं, सलाम है उसके इस फैसले को, शायद उनको वो पसंद होंगे। बिल्कुल बहुत, जब दोनों एक जैसे हैं, बेहतरीन। रीमा ने ढोल बजाना सीखना शुरू कर दिया है, वो ढोल सीख कर आखिर क्या करेंगी? सरकिनी उठाएंगी, पैसे जमा करेंगी ढोल बजा बजा के। मौसीकी मेरे दोस्त ईसा की शादी पे बजाएंगी तो इसी बात है। ढोल बजाएंगी, शादियों में बजाएंगी। रीमा का कहना है कि अमेरिका से अगर किसी को कुछ मंगवाना है तो इनको बता दे, आप क्या मंगवाएंगे इनसे? पिज्जा। मैं सिर्फ माफी मांगूंगा उनसे, कॉस्मेटिक्स मंगवाऊंगी, मैं बोलूंगा मेरे लिए अरमानी का सूट ले आ भाई। मैं बस उनको कहती कि वो मुझसे मिल ले प्यार से, बस यही बहुत है। कुछ भी नहीं, मेकअप बस, मैं उनसे ये कहता कि मुझे एक अच्छी सी क्रीम ला के दे ताकि मैं गोरा हो जाऊं।
ये उल्टे सीधे सवालात थे, बेस्ट कौन सा लगा आपको? एक तो लास्ट वाला बहुत फनी था, इनको गोरे होने की, उनको ये नहीं पता कि आप तो हमेशा से गोरी है, वो समझ में क्रीम लगा के गोरी हुई है। सारे अच्छे, देखिए ये हमारी आवाम है। अच्छा मासूम लोग भी होते हैं, मासूम लोग हैं, उनको अंदाजा भी नहीं है। देखिए ऐसे ना लोग आजकल सोशल मीडिया के जरिए जो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम बगैर किसी को जानते हुए, बगैर सुनी सुनाई बात पर, बगैर किसी जान पहचान के या प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन दिए बगैर हम किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, तो ये तो एक ट्रेंड चल पड़ा। तो वो कहते ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहें। अच्छा और दूसरा तो मैं कहेंगे यहाँ पे एक बात भी ऐड करना चाहता हूँ, हमेशा मुझे किसी ने कहा था, मैंने कभी किसी मैंने पूछा कि लोग कोई फजूल बात करें तो उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, तो बहुत ही प्यारी शख्सियत पढ़े लिखे उन्होंने मुझे कहा कि ये देखो कि जो सामने वाला बात कर रहा है उसका खुद स्टेटस क्या है, बात कर कौन कर कौन। तो अगर कोई बहुत ऐसी शख्सियत बात करे जो मैटर करती है, जिसकी बात का वजन हो, ये मैटर करती है, तो उस पे रिएक्ट करते हैं, ये तो लोगों का प्यार है। अच्छा एक बहुत अच्छा था जिसने कहा कि अमेरिका जा रही तो मुझे भी साथ ले लीजिए, वो बेचारे की मासूम ख्वाहिश इनोसेंट गाय है। हां वो भी अच्छा था। चलो जी आगे बढ़ते हैं और हम यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और फिर बातचीत हमारी जारी रहेगी।